दोस्तों नमस्कार, मैं एडवांस वाले चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राज किशोर। दोस्तों इससे पहले हम दो वीडियो डाले थे स्पाइस मेकिंग बिजनेस के बारे में, जिसमें हमने कुछ बताया था और कुछ चीजें जो है उसमें बच गया था, तो उसी को आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम उस वीडियो में बताया थे कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीन की जरूरत होगी, आपको इस बिजनेस को करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, कुछ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बताया थे, जैसे कि हल्दी पाउडर का, धनिया पाउडर का, और इसका जो है प्रोडक्शन किस तरह से करेंगे, यानी जो है आप स्पाइस किस तरह से पीसेंगे मशीन के माध्यम से, इससे पैकेजिंग किस तरह से करेंगे आपको लाइव हम दिखाए थे, इससे रिलेटेड और भी कई चीजों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझने में आपको परेशानी न हो सके। और आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं चिली पाउडर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी चिली पाउडर का जो है अगर आप बिजनेस करते हैं, यानी उसको पीस कर और उसे पैकेजिंग करके अगर आप मार्केटिंग करते हैं यानी सेल करते हैं, तो आप उससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, और इस बिजनेस करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस बनवाने की जरूरत होती है, और अगर आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए पैसे नहीं है तो आप किस तरह से इस बिजनेस को करने के लिए जो है लोन लेंगे, और वो भी सब्सिडी के साथ। दोस्तों हम आपको एक ऐसे स्कीम आपको इस वीडियो में बताएंगे, शायद आप लोग को पता होगा, जिसमें आप जो है 35% तक सब्सिडी के साथ लोन ले सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि इसका मार्केटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और राइट साइड में बेल का आइकन आएगा, जब आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तब तो उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये मिर्च पाउडर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, यानी चिली पाउडर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। आप एक घंटा में जो है 20 केजी प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी एक घंटा में 20 केजी जो है मसाले पीस सकते हैं, अगर मीडियम साइज का जो है मशीन लेते हैं तो, जिसका कॉस्ट हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 20 केजी प्रोडक्शन करने में और इसका पैकेजिंग करने में, अगर आप 250 ग्राम का जो है पैकेजिंग करते हैं, पाउच बनाते हैं, तो लगभग जो है, लगभग क्या एक्यूरेट जो है 80 पाउच होगा 250 ग्राम का, तो आपको इसमें इन्वेस्ट हो जाता है 2200 का जो है आपको मिर्च लगता है 20 केजी, तो इसे मार्केट में 80 से लेकर और 100 रुपया पर केजी मिल जाता है, इसे हम मान लिए 110 रुपया पर केजी। इसके बाद आपको 20 रुपया का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, इसके बाद 120 रुपया का पैकेजिंग में आपको इन्वेस्ट हो जाता है, उससे देखिए उससे 1 रुपया पर पैकेट से कम ही आपको इन्वेस्ट होता है, लेकिन तब भी हम जो है यहाँ 1.5 रुपया पर पैकेट जो है ऐड कर लिए हैं। तो देखिए 80 पैकेज का हो जाता है 1.5 रुपया पर पैकेज से 120 रुपया, इसके बाद 200 रुपया का आपको जो है लेबर खर्चा होगा, तो टोटल जो है 2540 रुपया आपको इन्वेस्ट हो जाता है 20 केजी प्रोडक्शन करने में और उसका पैकेजिंग करने में, और इसको अगर आप मार्केट में सेल करते हैं तो 190 पर केजी सेल होता है, यानी 190 रुपया पर केजी सेल होता है होलसेल में, तो टोटल सेलिंग कॉस्ट होगा 20 केजी का, अगर आप 20 केजी सेल करते हैं तो 190 रुपया पर केजी अगर सेल करते हैं तो 3800 रुपया में जो है आपका प्रोडक्ट सेल होगा, और आप जो है इसको एक घंटा में प्रोडक्शन कर देंगे तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, एक घंटा में 3800 रुपया में आप सेल किए और 2540 रुपया आपको इन्वेस्ट हुआ, तो 1260 रुपया जो है आपको इस बिजनेस से प्रॉफिट कर सकते हैं सिर्फ एक घंटा में। इस तरह से अगर आप एक दिन में 10 घंटा काम करते हैं तो आराम से 1200 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12600 रुपया प्रॉफिट कर पाएंगे, यानी एक दिन में। इस तरह से अगर आप एक महीना काम करेंगे तो 30 दिन होगा, 30 को 12600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,78,000 रुपया होता है, यानी इस बिजनेस से आप जो है 3,78,000 रुपया पर मंथ कमा सकते हैं सिर्फ एक मशीन से। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन सा लाइसेंस बनवाने की जरूरत होगी। दोस्तों आपको इस बिजनेस को करने के लिए एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अगर आप स्मॉल स्केल पे करते हैं तो आप जो है एमएसएमई में रजिस्टर करवा लीजिए अपना कंपनी, और अगर आप लार्ज स्केल पे इस बिजनेस को करते हैं तो आपको जो है अलग से कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप किस तरह से जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप जो है खुद से अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर आप जो है किसी का मदद लेते हैं, किसी एजेंसी से या फिर सीए से बनवाते हैं तो वो जो है आपको बहुत ज्यादा पैसा ले लेता है, तो आप खुद से भी बना सकते हैं, आपको हम गाइड करेंगे उसके लिए, एक वीडियो अलग से बनाएंगे किस तरह से जो है आप अपना कंपनी को, वैसे एमएसएमई का जो है
रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो आपको हम वो भी बता देंगे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के बारे में भी, और अलग से जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है या फिर फार्म रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में भी बता देंगे। इसके बाद आपको एक और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी एक और जो है लाइसेंस लेना होगा, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, FSSAI से। ये जो है जितने भी फूड प्रोडक्ट का जो काम करते हैं उसको जो है इसका लाइसेंस लेना होता है। तो दोस्तों आपको इसका लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद जो है आपको एक और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST जिसको आप लोग बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों ये तीन तो जो है आपको लाइसेंस बनवाने की जरूरत होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए पैसे नहीं है तो क्या आपको इस बिजनेस को करने के लिए लोन मिलेगा। तो दोस्तों आंसर है हाँ, आपको इस बिजनेस को करने के लिए लोन मिलेगा, और वो भी 35% तक सब्सिडी के साथ। और दोस्तों देखिए बता देते हैं आपको किस योजना के तहत लोन मिलेगा। दोस्तों आपको वैसे मुद्रा योजना के तहत भी लोन मिल जाएगा, उसमें जो है आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। यही है कि आपको उसमें जो है इंटरेस्ट जो है कम लगता है, लेकिन उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा स्कीम जो है जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है कि इसमें जो है आपको 25 लाख तक जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो है बिजनेस करने के लिए दिया जाता है लोन, और 10 लाख तक जो है सर्विस सेक्टर के लिए आपको दिया जाता है। यानी सर्विस सेक्टर का मतलब जो है वैसा बिजनेस जिसमें आप किसी चीज को प्रोडक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, तो उसको करने के लिए आपको 10 लाख तक का जो है इस योजना के तहत लोन मिल जाता है, और वो भी 35% सब्सिडी के साथ। कुछ जो है आप इसमें डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज यानी कास्ट के अनुसार। इसके बाद जो है लोग जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बांटा गया है किसको कितना जो है सब्सिडी मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो है अलग से पूरा एक्सप्लेन से वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल से बताया है कि आपको कितना जो है इसमें लोन मिलेगा, आपको जो है इसमें कितना सब्सिडी मिलेगा। सबको 35% नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों आपको कितना जो है कैटेगरी के अनुसार जो है इसमें सब्सिडी मिलता है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो में। और पूरा डिटेल से बताए हुए हैं आप इस लोन को लेने के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दोस्तों दोस्तों देखिए आप दो तरह से इसका अप्लाई कर सकते हैं, आप एक ऑनलाइन यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक जो है जिला उद्योग केंद्र होता है वहां से जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो है नहीं हो पाता है, बहुत ऐसा केस हमको मिला है जिसमें नहीं हुआ है। तो आपको सही होगा कि जिला उद्योग केंद्र के पास जाकर, और वहीं वहीं ऑफिस होता है वहां जाकर आप जो है अप्लाई कीजिए हार्ड कॉपी से, यानी जो है अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। आपको हम उस वीडियो में पूरे डिटेल से बताए हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं आपको किस तरह से जो है इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और क्या क्या रूल इसको फॉलो करना है। कुछ ऐसा इसमें कंडीशन लगाया गया है, अगर आपको लोन मिल जाता है उस कंडीशन को आप जो है फॉलो नहीं करते हैं तो आपको जो है सब्सिडी नहीं मिलेगी। दोस्तों उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर आप देख सकते हैं या फिर इस चैनल पर डायरेक्टली आप जाकर और देख सकते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इसका मार्केटिंग आप किस तरह से करेंगे, यानी आप इसको जो है किस तरह से सेल करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों इसके लिए आप जो है सबसे पहले आप जो है जितने रिटेलर है आपके आसपास, जितने भी होलसेलर है उससे कांटेक्ट कीजिए, और उनको बोलिए जो हम जो है इसका प्लांट लगाया है, इस चीज का जो है प्लांट लगाए हैं, ये मसाला जो है जैसे मान लीजिए हल्दी धनिया मिर्च जो भी आप जो है पीसते हैं और सेल करते हैं उसको बताइए, और बोलिए जो है आपको जो है हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। और आप उनको प्रोडक्ट जो है इस ऐसा रेंज पे दीजिए जो दूसरे जगह से अगर वे खरीदते हैं उनसे कम पे पड़े, ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। यानी आप उसको ज़्यादा प्रॉफिट दीजिएगा तो आपका जो है प्रोडक्ट सेल करने का जो है ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों ऐसे जो है आप रिटेलर को होलसेलर को अपने साथ कंबाइन कीजिए। इसके बाद आप जो है दो तीन ठो लड़के को रखिए मार्केटिंग करने के लिए, यानी इससे जो है सेल करने के लिए स्टार्टिंग में। जब आपका मार्केट बन जाता है मार्केटिंग पकड़ा जाता है, इसके बाद आपको जो है दिक्कत नहीं होगा ये इसे सेल करने में। तो दोस्तों इसके बाद जो है आप होटल वाले से मिलिए, रेस्टोरेंट वाले से मिलिए, इसके बाद जो है स्पाइस स्टोर जो होता है
उनसे मिलिए, इसके बाद किराना स्टोर से मिलिए, सबसे मिलिए और बोलिए जो हम आपको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं मसाले, और कम प्राइस पे और अच्छा क्वालिटी का। दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसा जो है लोग होते हैं जो मसाला जो है सेल करते हैं, 99% लोग ऐसा होते हैं जो उसमें कुछ मिक्स करके सेल करते हैं और सस्ते रेट पे देते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, ताकि अगर आप इसको करते हैं इस तरह से तो आपका भी प्रोडक्ट उसी तरह का होगा, तो मार्केट में जो है आप जो है अपना ब्रांड नहीं बना पाइएगा। और अगर आप इसी में अच्छा प्रोडक्ट देते हैं तो आपका जो है ब्रांड मार्केट में बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, दूसरे का जो है नहीं सेल होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो है आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके बाद जो है हर जगह हर मार्केट में जो है एजेंट होता है, यानी प्रोडक्ट एक जगह से खरीदता है और दूसरे को जो है डायरेक्टली वो सेल कर देता है और बीच में जो है वो फायदा लेता है। तो इस तरह का जो है एजेंट से आप कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए जो है हम इसका प्रोडक्शन करते हैं और आप उनसे सेल करवा सकते हैं। और इसके बाद आप जब पैकेजिंग कर लेते हैं, तो पैकेजिंग करने के बाद आप अपना ब्रांड देंगे, तो ब्रांडिंग आपका जो होगा उसको फैलाना होगा, लोग जानेगा, इसके बाद ही आपका जो है प्रोडक्ट खरीदेगा। दोस्तों आजकल ऐसा समय है जिसका ब्रांड का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, एडवर्टाइजिंग ज्यादा होता है, वो जो है ज्यादा चलता है। तो इसीलिए जो है आप अपना ब्रांड का जो है ध्यान रखें और इसका एडवर्टाइजिंग जो है जितना ज्यादा से ज्यादा आपसे हो सके उतना करवाएं। आप जो है अपना एक वेबसाइट बनवाइए आप अपने कंपनी के नाम से, उसपे जो है आप पूरा जो है इंफॉर्मेशन डालिए। इसके बाद जैसे सोशल साइट्स है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इस सब से जो है आप अपना जो है प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए। इसके बाद न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करवाइए। इस तरह से अगर आप शुरू में थोड़ा खर्चा कर देते हैं मार्केटिंग के ऊपर, तो आपका जो है ब्रांड मार्केट में बन जाएगा और अच्छा खासा जो है आप सेल कर पाएंगे, इससे आप प्रॉफिट कर पाएंगे। और आपको आप ब्रांड जो है एक बार अगर मार्केट में बन जाता है तो आप समझिए बहुत अच्छा पैसा जो है इस बिजनेस से कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।